शख्स ने अपनी शराफत को दरकिनार कर नाबालिग से छेड़छाड़ कर दी, जिसके बाद उसे ग्रामीणों ने डंडों का ऐसा स्वाद चखाया कि वह गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। काफी मिन्नतों के बाद उसे ग्रामीणों ने जाने दिया। इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे, आइए डालते हैं उन वीडियो पर एक नजर। वीडियो में सफेद लिबास पहने जिस शख्स की पिटाई हो रही है, दरअसल इसका नाम शरीफ है, जो अपनी शराफत भूलकर नाबालिग से छेड़छाड़ कर रहा था। आइए हम आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल रानी पैलेस का रहने वाला मोहम्मद शरीफ बुधवार को बेटमा की ओर से आ रहा था। रास्ते में वह कलारिया गांव से सड़क के किनारे किसी एवरफ्रेश शॉप पर रुका, जहां उसने एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ कर दी। बस फिर क्या था, वहां मौजूद दुकानदार और ग्रामीणों ने उसे पटक पटक कर इस कदर पीटा कि वह माफी मांगने लगा। लोगों से बचकर मोहम्मद शरीफ चंदन नगर थाने पहुंचा और शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मारपीट करने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले में क्या कह रहे हैं TI अभय नेमा, आइए उन्हीं से जानते हैं। रानी पुलिस निवासी मोहम्मद शरीफ जो कल बेटमा तरफ से आ रहे थे, तो कलारिया गांव में कहीं पेट्रोल के पास रुके थे, तो कुछ व्यक्तियों ने उनके साथ मारपीट की थी। जो अज्ञात है, इस आधार पर उनका मेडिकल भी कराया गया, तो उन्होंने जो रिपोर्ट की थी, रिपोर्ट दर्ज की गई थी सर। इस बारे में ये बात उन्होंने जानकारी दी थी कि उन पर छेड़छाड़ के आरोप थे। कलारिया गांव में पूछताछ की गई तो लोगों ने बताया कि उस व्यक्ति के खिलाफ किसी महिला से छेड़छाड़ की गई थी, जिससे गाँव वालों ने उनके साथ मारपीट की। बहरहाल छेड़छाड़ भी शरीफ ने की और पुलिस में प्रकरण भी दर्ज करवा दिया। यहाँ वह कहावत चरितार्थ हो गई कि पहले चोरी ऊपर से सीना जोरी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस छेड़छाड़ करने वाले पर कार्रवाई करती है या उसे सबक सिखाने वाले ग्रामीणों पर।